खबरों की नई पहचान। धनबाद में महागठबंधन के नेताओं ने किया बैठक, कई पार्टी के नेता हुए शामिल। बैठक के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती किया जाए और बूथ पर कैसे काम किया जाए ताकि अधिक से अधिक वोट कांग्रेस को मिल सके। इसको लेकर सभी पार्टी ने अपना अपना सुझाव दिया। देखिए, काट का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है, दो बार चढ़ चुका है, तीसरी बार नहीं पकेगा उसमें पकवान, क्योंकि अब चुनाव जो है उन्हीं मुद्दों पर जिन नैरेटिव को सेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया वो नैरेटिव अब सेट नहीं होने जा रही है। अब इस बार की जो चुनाव है वो शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लड़ी जा रही है। जनता के जो असल मुद्दे हैं, महंगाई है, भुखमरी है, गरीबी है, किसानों की आत्महत्या है, किसानों पर हुए तमाम तरह के अत्याचार हैं, सड़कों पर बिछाए गए कील है, इन तमाम सवालों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनको हर जगह पर खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में कैंपेनिंग के दौरान जूझना पड़ रहा है। तो पूरे देश से हम समझते हैं कि एक चुनाव है जिसमें जनता आज एक तरफ में। आप लोगों ने क्या रणनीति बना रहे हैं आज के बैठक में? हम लोग यही रणनीति बना रहे हैं कि देश के जो मूल सवाल है उन मूल सवालों पर चुनाव हो और जनता के बीच में जो है उन मूल सवालों को हम लोग प्रमुखता से पहुंचाएं और उन सवालों के आधार पर वोटिंग हो। इसको कैसे हम लोग मजबूत करें, इसी की रणनीति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चल रहा था जिला स्तर पर, आज हम लोग आपका मनोज जी का, अशोक बाबू का, इसे आपका गोलपुर प्रखंड के सभी दल के लोगों को एकत्रित किया है। इसमें कुल मिलाकर सभी जो वर्कर हैं पार्टी का, सभी दल का, वो लोग पहुंच गए हैं। अध्यक्ष, सचिव, विभूति अध्यक्ष जो भी है, सारे लोग आके पहुंच गए हैं। हम लोग आज एक ठोस निर्णय लेंगे कि हम लोग अनुपमा जी को कांग्रेस प्रत्याशी को कैसे जिताएंगे और भारी मत से कैसे जिताएंगे, इसी का मंथन करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम? मैं मुबीन अंसारी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष, गोविंदपुर। बहुत बड़ा चुनौती है और हम लोग चाहते हैं कि पूरा धनबाद जिला लोकसभा क्षेत्र संख्या जो हम लोग का गोविंदपुर में है, गोविंदपुर में कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा प्रदर्शन रहे, और इसका रूपरेखा महागठबंधन की ओर से हम लोग सजग रूप लेंगे और पूरे महागठबंधन की ओर से कम 4 जोन में हम लोग आपका पार्टी कार्यालय होगा और वहीं से रूट चार्ट बना के विधिवत हम लोग चल चलने का काम करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में हम लोग जीत दर्ज कैसे होगा इसका चिंतन मंथन करने का सभी को जरूरत है। क्या नाम हो? मेरा नाम अताउल्लाह अंसारी, जेएमएम गोविंदपुर प्रखंड। दिशा निर्देश क्या कुछ है, फॉर्मूले पे काम किया जा रहा है? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है और ये जो हम लोगों का इंडिया गठबंधन के माननीय गोविंदपुर प्रखंड के मानिंद लोग, पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो भी रास्ता तय होगा उस रास्ते के साथ पूरा विश्वास के साथ चलेगी। देखिए, आज गोविंदपुर प्रखंड के हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मनोज हारी जी के अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और गोविंदपुर प्रखंड के सभी हमारे जितने घटक दल हैं गठबंधन के, वो जेएमएम हो, आम आदमी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल है, माले है, सभी के प्रतिनिधि आज इस बैठक में उपस्थित हैं और बैठक का उद्देश्य एक ही है कि हमारा जो गोविंदपुर प्रखंड में 40 पंचायत करीब आता है, तो इस 40 पंचायत में किस प्रकार से प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए। जो इंडिया गठबंधन का और हमारा कांग्रेस का जो 5 न्याय का घोषणा है, 5 न्याय और उसमें 25 मेन जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। जो हमारे युवा हैं, युवा को जो रोज़गार है, रोज़गार गारंटी पत्र एक है, आप लोगों ने देखा होगा कांग्रेस ने एक रोज़गार गारंटी पत्र निकाला है जिसमें हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको उसको अपना फिलअप करना है, फिलअप करके पार्टी के पास जमा होगा ताकि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो उनका
जो दावा है वो मजबूत रहेगा जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो ये भी हमारे जो गठबंधन दल के जितने कार्यकर्ता हैं उनका भी ये काम है कि उस गारंटी पत्र को हम अपने गांव देहात के जो बच्चे हैं उनसे भरवाएं, और भरने के बाद जो उसका आधा कट्टी होता है उसको हमको पार्टी कार्यालय में भेजना है, ताकि जब युवा हैं उनकी दावा बराबर रहे कि भाई हाँ हमने किया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, और जो बूथ कमेटी है, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से बूथ कमेटी बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने अपना बूथ कमेटी बनाया है, JMM ने अपना बूथ कमेटी बनाया है, लेकिन अब चूंकि महागठबंधन बनकर के ये चुनाव हो रहा है तो हर बूथ पे के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।